हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शाइन ब्राइट विद शुभा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हुई हूँ। आजकल आप देख रहे हो कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह यही बोल रहे हैं डॉक्टर्स कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, हेल्दी खाना खाना है, नॉनवेज थोड़ा कम खाइए और वर्कआउट घर पे ही कीजिए। क्योंकि कभी कभी आप फ्री बैठते हो, घर पे खाते हो, कहीं बाहर वॉक करने नहीं जा सकते हो, तो आप घर पे योगा कर सकते हो। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके अंदर कुछ गलत आदतें हो, लाइक स्मोक करते हो या कुछ भी, तो उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशहाल लाइफ जी सकते हो। तो आज मैंने ऐसे बैठी हुई थी तो मैंने नीम का पेड़ देखा। अपने घर के आसपास बहुत ढेर सारे नीम के पौधे हैं, पेड़ है, तो वो पेड़ देखकर मुझे लगा नीम बहुत ही हेल्दी होता है। मतलब कई वैदिक दवा में यूज़ होता है, और नीम के पानी को बॉयल करके अगर उससे नहाया जाए तो आपके शरीर पे जो छोटे छोटे दाने या फुंसी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए कितने नीम के हैं, और नीम में ये मैंने बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं, देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं नीम के। तो ये मैंने नीम की पत्ती देखी, नीम का पेड़ देखा, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स जिनके आसपास नीम है या जिनको ये देखा है, नीम का कितने खूबसूरत हैं ये, कितने इसमें अच्छे लग रहे हैं, और इनकी पत्तियाँ बहुत ही हेल्दी होती हैं। और मेरी अभी एक फ्रेंड ने जल्दी बताया है कि ये नीम के जो ये छोटे छोटे फूल निकलते हैं, इसका सब्जी भी बनती है, और ये बहुत ही इस टाइम तो इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके फूल को तोड़कर और प्याज में मसाला मिक्स करके आप इसकी सब्जी भी बना सकते हो। तो मुझे भी जल्दी ये बात पता चली, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी अपने सब्सक्राइबर को बताऊँ कि अगर उनके घर के आसपास नीम है तो उसको यूज़ करें, और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। अगर आप खाने में नहीं यूज़ कर सकते तो इवन बॉयल करके इसका पानी थोड़ा सा पी सकते हैं और नहा सकते हैं इसके पानी से। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूर नीम की जो कोमल पत्तियां होती हैं उसको ज़रूर खिलाने की कोशिश करें। और आप देखिए पूरे नीम में इस समय, पूरे नीम में इस समय बहुत ढेर सारे फूल आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आप घर के अंदर रहोगे तो आपको कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी होने के चांसेस कम रहेंगे। सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो 65 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड एज के हैं उनको घर से बाहर मत निकलने दीजिए। और कोशिश कीजिए कि आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी खाना खाइए और हल्का खाना खाइए, क्योंकि गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप हल्का खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोशिश कीजिए कि आप इस समय अभी एसी का यूज़ कम से कम कीजिए। अगर एसी स्टार्ट भी कीजिए तो उसका 26-25 से ज़्यादा नीचे मत कीजिए टेम्परेचर, क्योंकि कोरोना एसी से भी फैल रहा है, ये गाइडलाइंस में पता चला है। आई नो आप सभी न्यूज़ देखते होंगे इसलिए आपको पता होगा, तो आप ये सब जान गए हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शाइन ब्राइट विद शुभा, और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।